वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का वायरल पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वायरल पेपर आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। यहां पे देखिए पूर्णांक 75 है, समय 3 घंटे हैं। 2023 वार्षिक परीक्षा का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं, नोट सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसी टाइप के आपके पूरे क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, ठीक है। पूरा एक क्वेश्चन पेपर आप लोग अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे ये पहला प्रश्न है, यहाँ से आपके 5 नंबर बनते हैं, ठीक है। 5 नंबर का आपका चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनिए आता है। फिर 5 नंबर का आपका देखिए यहाँ पे आता है उचित संबंध स्थापित कीजिए, मतलब मैचिंग आता है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इस तरह आपके 15 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो अभी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आगे आने वाले वीडियो के लिए वायरल जो भी क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं सभी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके देखिए सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, पूरे क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाया करेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ये स्थाई भाव वगैरह आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों का 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, रात का राजा किसे कहा गया है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है आप लोगों का, माता पिता आपका कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, चांद शब्द में पड़ता है, जोड़कर शब्द बनाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, गुरुदास के पिता की उनसे क्या अपेक्षा थी, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 8 है, प्लास्टिक आज हमारे दैनिक जीवन में इतना जरूरी और लोकप्रिय क्यों हो गया है। फिर है नेक्स्ट, रमन प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, 5 रुपये अंगूठी को आंचल में बांधते समय बुआ के मन में क्या विचार चल रहे थे। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे सप्रसंग भावार्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब इसको आपको पढ़ना है और प्रसंग व्याख्या लिखना है, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे कौन से चैप्टर का है और उसका प्रसंग संदर्भ प्रसंग कर लेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है और इसके बाद इसका संदर्भ सहित प्रसंग व्याख्या सब करना है, ठीक है। तो आपके बुक का होगा, आप बुक के द्वारा कर सकते हैं। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर उमा का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, कोई 4। 14वां नंबर क्वेश्चन है, केकड़ा और ढेंगा ने किसान के बेटे की रक्षा किस तरह की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अथवा में भी क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन है, गांव के पुल का नाम लाइट रूट ब्रिज ही क्यों रखा गया होगा, इसका भी देखिए इसमें भी अथवा है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करेंगे। अब अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वायरल क्वेश्चन पेपर हों मैं तुरंत आपको तक पहुँचा दूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना, प्रचार को स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखना है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व और विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार और जीवन में खेलों का महत्व तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है, स्वच्छ भारत अभियान भी आता ही आता है, ठीक है। अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आगे के जो भी वायरल क्वेश्चन पेपर हैं उसके लिए,